हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? मैं तो अपने शादी की बात पेरेंट्स से करने भी वाली हूँ। क्या हुआ, तुम यूं खामोश क्यों खड़े हो? बोलो ना कुछ, क्या हुआ बोलो। आखिरकार तुम बन ही गई अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे देखा जाए ना तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है, मुझे पता था। 24 पे असिस्टेंट मैनेजर, 27 पर वाइस प्रेसिडेंट और अब 30 पर प्रेसिडेंट। अगर मेहनत और फोकस हो ना तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तू चाहे अपने कितने भी अचीवमेंट्स गिनवा ले मगर एक डिपार्टमेंट में ना तुम बिल्कुल अंडा है, अ बिग जीरो। बिग जीरो? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? लड़के, बॉयज, मेन, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। कभी तूने कभी किसी से प्यार करके देखा है? कभी किसी को अपना बना के देखा है? लव को फील किया है? अच्छा, मिलते कहाँ है ये मोहब्बत के फरिश्ते? डेटिंग साइट्स बेब्स। कभी गई है तू किसी डेटिंग साइट पे? हजारों है। तुझे बड़ा पता है डेटिंग साइट्स के बारे में? कल बताऊंगी, अभी रोक चल, मेरा घर आ गया, चलती हूँ मैं। हाँ, कल का क्या सीन है तेरे? कल 9 बजे पहले एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, 11 बजे मैं और सर फैक्ट्री जाने का प्लान कर रहे हैं और 2 बजे तक तो कनाडा डेलीगेशन आ रहा है और 4 बजे तक मुझे मेरा प्रेजेंटेशन फिनिश करना होगा। 5 बजे निधि, तुझे ना अपनी आवाज से मोहब्बत हो गई है। बाय। हर रात ही ऑफिस का काम शुरू? हाँ, एक सेकेंड बस। सेंड। सॉरी सॉरी, पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? आज मुझे बधाई देने के लिए इतने सारे फोन आए और वो खन्ना और अय्यर, पता है ना, उनकी तो शक्ल देखने लायक हो गई थी, इतना सा हो गया था उनका मुंह। बस 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 बस, ऑफिस की बात करके ना मुझे मत बोर किया कर, अपने पापा पे कहिए तो, वो भी ऐसे ऑफिस की बात करके ना मुझे बोर किया करते थे। और आप भी तो बिल्कुल निधि की तरह। एक्चुअली फैक्ट पता है क्या है, आप दोनों में मेरी बातें सुनने का पेशेंस ही नहीं है। तू है ही वैसी। अच्छा चल, मैं खाना बना रही हूँ। एक डिपार्टमेंट में ना तुम बिल्कुल अंडा है, अ बिग जीरो। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? बॉयज, मेन, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। मैं भी तो देखूं ये ऑनलाइन डेटिंग है क्या। शक्ल तो देखो इनकी, कार्टून, पेंटर, म्यूजिक, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ये कौन है? राघव मेहरा, 5 feet 11 inches, इंजीनियर, MBA, मैनेजिंग डायरेक्टर, RN Constructions, नॉट बैड। अरे इसने तो नंबर भी डाल दिया अपना। हाय मनीषा, यार नंबर मिलाने से पहले इतना सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि इस वक्त तुमने पिंक कमीज और सिल्वर वॉच पहनी हुई है। ये कोई कैमरा वैमरा तो नहीं है? तुम यहीं कहीं आसपास हो? यही समझ लो कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ तो मैं देख सकता हूँ। कम ऑन यार, गेस कर रहा हूँ। तुक्का फिट हो गया।
ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ. एक्चुअली राघव, मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने पहले कभी ये डेटिंग वगैरह किया नहीं है. आई मीन मेरी लाइफ हमेशा बस ऑफिस और काम इसी सब में रही है. वो तो निधि ने, मेरी फ्रेंड, उसने कहा, इसलिए आज मैंने डेटिंग साइट चेक किया. और तुम्हें अपनी आवाज से बहुत मोहब्बत है ना? आवाज से मोहब्बत? ये तो आज ही निधि ने मुझे उससे करके देखो, सब भूल जाओगे. तुम बिल्कुल पागल हो. और बताओ अपने बारे में. तो कब मिल रहे हैं हम? मिलने की बहुत जल्दी है तुम्हें. वो तो है. बोलो. तुम बोलो. अभी आ जाओ. अभी? लेकिन राघव, अभी तो 9 बज रहे हैं. एड्रेस नोट करो. तुम बड़े भेटो. चलो एड्रेस बताओ. एड्रेस है. अच्छा एक बात सुनो, डर लगे तो मत आना. शीतल तार, यही तो है. नेविगेटर तो यही दिखा रहा है. कॉल करते हैं. अब जाकर मेरा तो आ गई आप. अभी तो यहाँ पे कोई नहीं था. आप मैडम, हम तो ऐसे ही हैं. आपने दिल से याद किया और हमारे. Well, I must say, किसी लड़की को डेट पे बुलाने के लिए इससे वाहियात जगह नहीं चुन सकते थे आप. इंजीनियर हूँ, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर. और ये वाहियात जगह मेरी कर्म भूमि. Okay, sorry. So, कब? By the way, आपका फोन. ये अपना फोन आप अपने पास रखिए. ओके. यू नो राघव, ये मेरी पहली डेट है. इससे पहले मैं कभी डेट पर नहीं गई. राघव, राघव, ए इधर. तुम वहां कैसे? अभी तो यहाँ थे ना. तुम अपनी बातों में इतना खो जाती हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता मैं कब आगे निकल गया. हम इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? मैडम, वाहियात जगह में भी जन्नत बनाई जा सकती है. ये तो बहुत प्रिटी है. कम थैंक यू. यू वेलकम. चीयर्स टू आवर फर्स्ट डेट एंड मेनी मोर टू कम. I must say, मैं सबसे बहुत impressed हूँ. You know, कितनी energy और कितना time गया इन सब में. ये सब देख के मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा है. Something special for a special person. मैंने सुना है करियर में उलझी लड़कियां प्यार में बहुत झिझकती हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. बात तो अपॉर्चुनिटी की है ना.
That means I can kiss you now? Clever. क्या हुआ बेटा, इतनी क्यों डर गए बेटा? मम्मा, मैं वो यहाँ कैसे? मैं तो वो बिल्डिंग पे थी। सपनों से बाहर निकल, चल चाय पी ले। नहीं माँ, सपना नहीं था वो, मैं सच में। सब छोड़, चाय पी। मामा मैं रात में 1 बजे लौटी थी तू। और वो कौन था तेरे साथ गाड़ी में? गाड़ी से उतरकर पैदल निकल गया वो। माँ पता नहीं क्यों मुझे कुछ याद ही नहीं है। तूने कुछ पी रखी थी क्या? तुझे मालूम है मुझे शराब से कितनी नफरत है। माँ अभी प्लीज तुम बिना शुरू मत हो जाओ, तंग मत करो मुझे। अच्छा चल ठीक है, फ्रेश हो जा चाय पी। राघव के बारे में बताती, पहले तो यहाँ से चल। ये लड़का ना सच में जादूगर है। वाह जी, मोहब्बत की जादूगरी चल गई तुम पे। ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? Shut up. राघव, what a surprise. Hi निधि. Hi. He's so charming. चुप, तू बोले मत डाल उसके साथ। Oh, jealous. So राघव, तुम जैसा handsome hunk dating site पे क्या कर रहा है? मैं dating site पे नहीं हो सकता क्या? No 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 no. I mean, तुमको तो चलते फिरते कोई भी मिल जाएगी। अच्छा, stop flirting, okay? Okay, और हम लोग रोड पे क्यों खड़े हैं? चले? Yeah, let's go. Okay, give me bags. Yeah. Oh God, मैं अपना बैग तुम्हें भूल गई। मैं लेकर आती हूँ। And listen, तुम अपना दिल मत दे देना इसे। कोई नहीं, हम तो जान भी दे देंगे। तो राघव, मनीषा बता रही थी तुम इंजीनियर हो, MBA। हाँ यार, IIT चेन्नई, देन IIM बैंगलोर, अभी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओके। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, मेरा फोकस ना काम और करियर से ज्यादा रिलेशनशिप पे है। आई लव टू बी इन लव, प्यार से प्यार है मुझे। मुझे तो पता ही नहीं था मनीषा जैसी लड़की मुझे मिल जाएगी, दैट वन अ डेटिंग साइट। दैट्स माय लक। कौन कौन हो तुम? निधि कहाँ चली गई? एक्चुअली उसकी मम्मी का फोन आया था, कुछ इमरजेंसी है तो वो चली गई ऑटो पकड़ के। मुझे बिना पता? अजीब लड़की है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। That's strange. मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? Of course है। Let's go.
That's my house. Well, this is it. By the way, thank you so much. Thanks. पर किस बात के लिए? मेरे घर आने के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए. Oh, by the way, इसे इनविटेशन नहीं कहते हैं, हाँ? इसको कहते हैं जिद करना, ओके? Oh, really? So, please. Welcome. Hey, don't worry. You'll not be disappointed. It'll be the best night of your life. I have a surprise for you. Raghav, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? Are you ready for your surprise? Okay, we're almost here. So, you ready? Yeah. Ta-da. ये क्या है? ना चाय, ना कॉफी, शैंपेन, नथिंग. सीधा बेडरूम. रोमांस का नशा ना किसी भी चाय, कॉफी और शैंपेन से ज्यादा होता है. Hang on, there's more. The best date you had ever? Best date ever. मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी. ये सामने यहाँ राघव मेहरा रहते हैं ना? अब नहीं रहते. अभी नहीं रहते मतलब कल रात को तो मैं उनसे मिली हूँ. ये मुमकिन ही नहीं है मैडम. राघव मेहरा को मरे हुए 3 साल हो गए हैं. What? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कल रात को तो मैं, हम दोनों यहाँ साथ में. आप excuse me, मेरी बात तो सुनिए प्लीज. मनीषा कहाँ थी तुम रात पर? पागल हो गए मैं सबको फोन करके. तुमने फोन करना जरूरी भी नहीं समझा? हाँ मामा प्लीज प्लीज एक मिनट प्लीज. कर क्या रही हो तुम लैपटॉप से?
मनीषा किसको फोन लगा रही हो? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। मनीषा कुछ तो बता मुझे, क्या हो क्या रहा है? वेलकम टू हमसफर, आपका पसंदीदा डेटिंग साइट। हेलो, आपकी वेबसाइट पे राघव मेरा नाम का लड़का है ना, आप प्लीज एक बार चेक करेंगे? लेट मी चेक मैम। मनीषा क्या बोल रहे हो तुम, क्या वेबसाइट? मनीष मामा, मामा प्लीज आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दो ना, प्लीज मामा प्लीज। नो मैम, इस नाम का कोई आदमी हमारी साइट में कभी था ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उससे आपकी वेबसाइट पे ही मिली हूँ, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? प्लीज आप एक बार मेरे लिए। हेलो मनीषा, हे स्वीट हार्ट, क्या हुआ? पानी पी ले। हो क्या रहा तेरी तबीयत को? ठीक है ना तू? पहले बता राघव मेरा कौन है, किसे बात कर रही हूँ? हेलो, हेलो, रानीगंज थाने से बोल रहा हूँ। निधि आनंद को जानती थी आप? राघव मेहरा यहाँ पे काम करते हैं ना, वो जो आरवी कंस्ट्रक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो यहाँ आए हैं क्या? मैम क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो 3 साल पहले डेथ हो गई, इसी बिल्डिंग से कूद कर मरे थे वो।
चल बेटा, हाँ बेटा, चल चल आराम से चल, बस 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 तू ठीक हो जाएगी, हमें बस ले जा, हाँ मैं हूँ ना, हाँ चिंता मत करो, हाँ बेटा मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। डॉक्टर मैम वो आप तुरंत आ जाइए, मनीषा की तबीयत एकदम खराब हो गई है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप बस आ जाइए प्लीज। You are pregnant. क्या? डॉक्टर ये कैसे हो सकता है? पेट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी है। डॉक्टर ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो राघव से कल एक ही रात, बस एक ही बार में कैसे हो सकता है डॉक्टर? क्या? प्लीज शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ, ये पहले ये मेडिसिन ले लो, उठो प्लीज पानी दीजिए। फोन करके मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। चल बैठ बैठ, मैंने सब रख दिया है बैग में, पानी की बोतल भी रख दी है मैंने। मामा, हाँ? डॉक्टर का मैसेज है कि आज नहीं हो पाएगा, कल आकर उनके क्लिनिक पे मिले, उन्हें कोई इमरजेंसी की वजह से अभी यहाँ से जाना पड़ा। पता नहीं मामा ये सब क्या हो रहा है। ये कोई डॉक्टर प्रॉब्लम नहीं है, रुक। हेलो पंडित जी, कांति मिश्रा बात कर रही हूँ। हरिओम, कैसे हैं आप? एक मुसीबत आ गई है, आप ही हल निकाल सकते हो, मनीषा के पीछे कोई पड़ा है, प्रेत शक्ति है वो। कोई अतृप्त मायावी प्रेतात्मा है, मृत्यु के पश्चात मध्यलोक में अटका हुआ है। पहले आप पता कीजिए उसके साथ क्या हुआ था। शरीर का कोई भी हिस्सा, नाखून का टुकड़ा या कोई बाल उसका लाना होगा, और उस हिस्से को अग्नि में समर्पित करने के पश्चात ही इस मुसीबत से मुक्ति मिलेगी। परंतु हाँ, ध्यान रहे, यह विधि आपको शीघ्र ही करनी है, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हो गया तो मनीषा को आप हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं पति जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप किससे बात कर रही थी? वो सुन रहा है, यहीं पे है वो। कुछ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता राघव कहाँ रहता है। आप ये सब क्या बोल रही हैं अभी? जल्दी बता वक्त कब है, राघव कहाँ रहता है? A25 RB Road. ये राघव कौन है? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? आप मेरे साथ बताओ प्लीज। आप शांत हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ राघव के बारे में, आप प्लीज शांत हो जाइए। राघव और मैं पड़ोसी थे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन राघव बहुत शर्मीला था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसने इंजीनियरिंग MBA सब कुछ किया था, एक बड़ी कंपनी में MD तक बन गया था, लेकिन लड़कियों के मामले में वो एकदम जीरो था। एक्चुअली उसकी एक प्रॉब्लम थी, राघव को हेयरसुटिज्म नाम की बीमारी थी, उस बीमारी में हाथ चेहरा पूरा फेस पूरी बॉडी सब पे बाल उगने लगते हैं, और ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आदमी बहुत ज़्यादा डरावना लगने लगता है। राघव को कहीं भी बाहर जाना होता था, किसी से भी मिलना होता था, वो पहले पूरी बॉडी शेव करता था,
तीन साल पहले राघव की दोस्ती एक लड़की से हो गई थी, नीलम नाम था उसका। दोनों रोज मिलते थे, फोन पे भी काफी बात होती थी। एक दिन नीलम बिना बताए राघव से मिलने उसके घर आ गई और उस रोज राघव ने शेव नहीं किया था। राघव, राघव, राघव दरवाजा खोलो, राघव। राघव, राघव मुझे पता है तुम अंदर हो, मुझे रिंग सुनाई आ रही है फोन की, दरवाजा खोलो ना। नीलम तुम जाओ, कल बात करते हैं। दरवाजा खोलो राघव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नीलम तुम जाओ आज प्लीज। राघव ये क्या है राघव, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? नीलम तुम जाओ ना, कल बात करते हैं। मुझे अंदर तो आने दो राघव, बहुत लेट हो गया, प्लीज मुझे बात करनी है राघव, प्लीज कल बात। मुझे अंदर आने दो राघव, ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तुमने? नीलम कल बात करते हैं, प्लीज तुम जाओ। सुनो तो, मैंने पापा को कहा कि मुझे राघव से शादी करनी है, एंड यू नो व्हाट, पापा मान गए राघव, पापा मान गए राघव। नीलम प्लीज तुम अभी जाओ, कल बात करते हैं। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो राघव? नीलम खुश हूँ लेकिन कल बात करते हैं ना। क्या हो गया तुमको? और ये अंधेरा, लाइट चालू करते हैं पहले तो। नीलम कौन हो तुम? राघव कहाँ है? नीलम मैं तुम राघव नहीं हो। राघव कहाँ है? राघव, नीलम मेरी बात, नीलम मेरी बात तो सुनो, मैं राघव हूँ। तुम राघव नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो। नहीं, तुम राघव नहीं हो। नीलम मैं राघव हूँ। दूर रहो, I love you, नीलम आना, नीलम I love you। नहीं, दूर रहो मुझसे। I don't love you, अब तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक इंसान से प्यार करना था, जानवर से नहीं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा असली रूप इतना भयानक है, तुम इतने भद्दे दिखते हो। You are a beast. Beast नहीं हूँ मैं, एक बीमारी है मुझे। नीलम दूर रहो मुझसे, दूर रहो। I'm really sorry, I didn't mean to shout at you. मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने पापा को क्या कहूंगी कि मुझे एक दरिंदे से, एक जानवर से प्यार हो गया, एक बीमार आदमी से, राक्षस से प्यार हो गया? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम इंसान नहीं हो राघव, तुम राक्षस हो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। राघव, राघव, राघव क्या हुआ? राघव, राघव, ये देखिए क्या हालत होगी राघव के घर की। उस रोज एक बिल्डिंग से कूदकर राघव ने आत्महत्या कर ली थी। उसके मरने के बाद मैंने इस घर को ताला लगाया था। राघव लौट आया है। क्या कह रही आप? राघव वापस किस आ सकता है? मतलब मैं कह रही हूँ वो यहीं पे है, वो हमें देख रहा है, सुन रहा है। उसकी प्रेत आत्मा लड़कियों का शिकार कर रही है। मेरी बेटी मनीषा उसके शिकंजे में है। वो लड़की जो सुबह मेरे पास आई थी, उसने बोला वो, हाँ वो राघव के साथ थी घर के अंदर। लेकिन राघव कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। कुछ नहीं कर सकता जब तक ये रुद्राक्ष मेरे कलाई में है, ये मेरे करीब भी नहीं आ सकता।
ये राघव है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये राघव है। राघव, ये राघव को क्या हो गया? अब हो रहा यकीन? सागर, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है और मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो तू बीच में मत आ। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम इंसान नहीं, प्रेत हो। दरिंदे हो तुम। तुमने मेरी बेटी की अपने वश में रखा है। मेरा प्यार रो रहा है, मेरी मनीषा दर्द में है, मेरा वारिस आने वाला है, आने वाला है। मनीषा के पास गया। सागर, सागर मेरी बात सुनो। कौन से मुझे राघव के किसी भी शरीर का बाल, नाखून, कुछ भी अगर मुझे कुछ मिल सकता है तो उसके बाल कहीं तो पड़े होंगे ना घर में। वो वहां देखे, वहां देखे क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ तो उसके बाल, नाखून, कुछ भी नहीं मिल रहे। एक काम करो, फोन दो मुझे, फोन। चलो मनीषा, मम्मी बोल रही हूँ, बात सुन मेरी। कौन से राघव अपने घर पहुंच रहा है। अब तेरे बचने का एक ही तरीका है, मुझे गुरुजी ने यही कहा था कि अगर वो तेरे पास आए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुम्हें सब मालूम है, इसलिए मेरा ये जो रूप है इसे मैं नहीं बदलूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार और हमारे प्यार की निशानी। उसे बाहर आने दो, घबराओ मत, सब ठीक होगा। तुमसे कितना प्यार करता हूं कि मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारे प्यार के बीच में कोई आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ये क्या किया तुमने? आ!
सब ठीक हो गया बेटा, सब ठीक हो गया। राघव मेहरा।